नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आयुष मिश्रा। इंडिया का त्योहार कहे जाने वाली आईपीएल की शुरुआत जल्दी होने वाली है। आईपीएल में छक्के चौकों की बरसात देखने को मिलती है और कुछ इसी तर्ज पर कई राज्यों में राज्य स्तर पर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को आयोजित किया जाता है। अब आईपीएल जैसी ही एक और क्रिकेट लीग बिहार में भी देखने को मिलेगी। आईपीएल की तरह ही पटना में भी एक बीसीएल यानी कि बिहार क्रिकेट लीग होने वाली है, जो बिल्कुल आईपीएल के फॉर्मेट पर खेली जाएगी। ये लीग 20 से लेकर 26 मार्च के बीच खेली जाएगी और इसमें बिहार क्रिकेट से जुड़े सभी खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। इस टूर्नामेंट में अंडर 19 से लेकर रणजी लेवल के और जिला लेवल के भी सभी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस टूर्नामेंट का आयोजन राज्यपाल करेंगे और आगाज विश्व विजेता टीम के कप्तान रहे कपिल देव करेंगे। आईपीएल की तर्ज पर बिहार में पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 5 टीमें हिस्सा लेंगी और इसे ऊर्जा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का प्रसारण 20 से ज्यादा देशों में होगा, जहां देसी चीयर लीडर्स, फ्लड लाइट, ड्रेसिंग रूम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पिच के साथ खूबसूरत ग्राउंड भी रहेंगे, जो बीसीएल की रौनक बढ़ाएंगे। बीसीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन सोना सिंह ने बताया कि बीसीएल को सफल बनाने के लिए विशेष पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कार्य चल रहा है, जो लगभग अपने अंतिम चरण में है। बीसीएल के लिए विशेष रूप से गेस्ट गैलरी, कमेंट्री गैलरी, अंपायर गैलरी, स्कोर गैलरी, प्रेस गैलरी और विभिन्न जिला संघों से आए जिला पदाधिकारियों के लिए भी विशेष स्थान बनाया गया है। 5 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हैं, जिनके मेंटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके कुछ जाने माने चेहरे हैं। अंगिका अवेंजर्स के वेंकटेश प्रसाद, दरभंगा डायमंड्स के सनत जयसूर्या, भागलपुर बुल्स के आरती सिंह और गया ग्लैडिएटर्स के तिलक रत्न दिलशान, पटना पायरेट्स के डैनी मॉरिसन मेंटर हैं। साथ ही टूर्नामेंट को लेकर बिहार क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ी और रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी अशोक कुमार कहते हैं कि इस आयोजन के बाद देश को कई उम्दा खिलाड़ी जरूर मिलेंगे, क्योंकि बिहार में क्रिकेट की प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस टूर्नामेंट के विजेता को 15 लाख, उपविजेता को 10 और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को 2-2 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। बहरहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि बिहार में होने वाली ये शानदार लीग कितनी सफल होती है और कितने बड़े पैमाने पर होती है। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।